परफेक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लगातार दिखा रहे हैं जनता के साथ सीधी बातचीत, हमारे साथ लगातार पब्लिक जुड़ रही है, इनसे बातचीत करके जानते हैं कि आज इनकी कितनी आस्था कितना विश्वास है सेंटर फॉर गुरमीत रामरीम सिंह चिंसा के साथ। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बबलीन सर। मैम कितने समय से आ रहे हो डेरा सतो से? मैं 26-27 सालों में उनके डेरे में आ रहा हूँ। कितना विश्वास करते हो? पहले से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्यों विश्वास करते हो? आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते हो? मैं कुछ भी नहीं थी नामधाम से पहले, जब मैंने पिताजी के चरणों में आना शुरू किया उसके बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं कुछ कह ही नहीं सकती उनके बारे में, मैं क्या बताऊं जो उन्होंने हमारे ऊपर। मैम जो दूसरी तरफ सांझी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सबके लिए क्या मानना है आपका? देखिए वो तो सरासर झूठ है, उसको तो हम सच कह ही नहीं सकते क्योंकि हमने खुद ने अपनी आंखों से तो कुछ देखा नहीं है। अगर हम कुछ आंखों से देखें तभी कोई बात करें ना, जब हमने कुछ देखा ही नहीं है तो हम क्या बात करें। आपको क्या लगता है संत जी का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? जी उनका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, जितना कहना सुनने से परे जो प्यार वो देते हैं उतने शायद हमारे पेरेंट्स भी ना देते हों। जो उन्होंने हमें सच्ची शिक्षा दी है उसके कोई भी नहीं दे सकता। सबसे बड़े तो हमारे गुरु परम महाराज जी। मैम आपको लगता है जो 4 साल गए हैं उनके ना रहने से समाज में कोई प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहा है उनके नाम पर? ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि नशा चल रहा है, रक्त माफिया, इसे संसार में देखो कितने घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जरूरत है मैम उनकी समाज को सुधारने, बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना अगर वो आए तो समाज की भलाई हो, मानवता की भलाई हो। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार? हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे पिता संत MSG गुरमीत रामरीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी हमारे बीच में देह रूप में लाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द से जल्द सेंटर फॉर गुरमीत रामरीम सिंह जी समाज में वापस आए, ये जनता की अपील मांगे। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ फैक्ट्स के साथ, फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।